आमिर खान ने अब जब किरण के साथ अपने तलाक का ऐलान किया है, तब उनका एक पुराना पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने यंगस्टर्स को इस बात की टिप्स दी थी कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ का फॉर्मूला क्या है। आप जो है अपनी शादीशुदा जिंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं और अपनी पत्नी को कैसे खुश रख सकते हैं। दरअसल आमिर की जिंदगी में ये दूसरी बार है जब वो अपनी पत्नी से अलग हुए हैं। पहली पत्नी रीना से उन्होंने 16 साल बाद तलाक ले लिया था और दूसरी किरण राव से 15 साल बाद। साल 2005 में किरण राव से शादी हुई थी। साल 2012 का ये पोस्ट जो है अब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो शादी को लेकर कई बातें बताते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये उन्होंने द हिंदू में 2012 में कॉलम लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक शादी को परफेक्ट जो है वो कैसे बनाया जा सकता है। वो लिखते हैं, शादी के दिन को परफेक्ट बनाने की जगह शादी को निभाने, पार्टनर संग समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए, पैसा और इमोशंस इन्वेस्ट करने पर ध्यान देना चाहिए और हम अपनी सारी एनर्जी उस एक दिन को परफेक्ट बनाने के लिए लगा देते हैं। कई बार हम पार्टनर की चॉइस भी इसी के आधार पर करते हैं कि समाज क्या सोचेगा। समाज को उनके साथ जो है जिंदगी नहीं बितानी, आपको बितानी है। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपको जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है और उस हिसाब से ही आपको पार्टनर चूज करना चाहिए। आमिर खान का ये भी कहना था कि शादी की तैयारियों में पैसा लगाने की जगह लड़के या लड़की के भविष्य में इन्वेस्ट करें, पैसा वहां लगाए। हम अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने चाहिए, जो कि हम अक्सर नहीं करते हैं। इमोशन इन्वेस्ट करने से रिलेशनशिप और मजबूत होता है। हम बस उसे एक दिन को परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं। आगे की जिंदगी के बारे में सोचो, ना कि केवल उसे एक दिन के बारे में। शादी को अहमियत दो। वह चाहती है, जो वह चाहती है, हर तरह से फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली अपना थोड़ा टाइम दो, अहमियत दो, इमोशंस दो, एनर्जी लगाओ, आगे आने वाले सालों को प्लान करने में थोड़ा समय दो। तो इस तरीके की बात जो है आमिर ने साल 2012 में की थी, जब उन्होंने एक कॉलम लिखा था कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ के क्या जो है फंडा हो सकते हैं। तो अब किरण के साथ डाइवोर्स होने के बाद उनका ये पोस्ट जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है।